हेलो एट क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका संस्कृत का टर्न है, तो निकालिए अपनी संस्कृत की बुक संस्कृत सोपान और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 5। पेज नंबर 17 ओपन करेंगे बच्चों। पंचम पाठ है, पांचवा पाठ है आपका आज मंद बुद्धि तंतु वाय है। मंद बुद्धि कहते हैं बच्चों जो बुद्ध होता है, जो बेवकूफ वाली हरकतें करता है। तंतु वाय है जुलाहा, जो कपड़ा बुनता है, यानी कम बुद्धि वाला जुलाहा। एकस्मिन नगरे मंथर को नाम तंतुवाय वस्ती स्मृह। एक नगर में मंथर नाम का जुलाहा रहता था। पटकर्माणी कुर्वतः तस्य सर्वाणि उपकरणानि भग्नानि। पटकर्माणी यानी कपड़ा बुनते हुए, कुर्वतः बुनते हुए या करते हुए, कपड़ा बुनने का काम करते हुए तस्य उसके सर्वाणी सारे उपकरणी यानी जो उसके यंत्र थे भगानी टूट गए। यानी कपड़ा बुनने का काम करते हुए उसके सभी यंत्र टूट गए। कुठारन आदाय, कुठारन कहते हैं बच्चों कुल्हाड़ी को। आदाय लेकर, सह मीन्स वह, वन है वनम मीन्स वन को, गदय गया। वने भ्रम है, सह एक है, सिंस पापा दम पम ए पश्यत। वन में भ्रमण यानी वन में घूमते हुए, सह उसने एक सिंस पापादम एक शीशम का अपश्यत देखा, शीशम का पेड़ देखा। सह उसने अचिंत्यत सोचा, अयम महान वृक्ष अस्ति, यह बहुत बड़ा वृक्ष है पेड़, अस्ति है यह बहुत बड़ा पेड़ है। एनम कृतित्वा बहुनी काष्ठानी मिलिष्यन्ति। एनमिस इसे कृतित्वा काट कर, बहुनी बहुत सी या बहुत सारी काष्ठानी लकड़ी मिलिष्यन्ति मिलेंगी। तेन पट निर्माणाय बहुनी उपकरणी भविष्यन्ति। तेन मिस इनसे, पट निर्माणाय कपड़ा बुनने के लिए बहुनी बहुत सारे उपकरण यंत्र भविष्यन्ति बन सकेंगे। इथम चितयन्ति यह सोचकर, सह उसने वृक्ष से पेड़ पर उपारी कुठारम यानी कुल्हाड़ी से आघात अपक्षत कुठारे आघात किया। अपक्षत कुठारे वृक्ष उस पर उसने आघात किया। वृक्षे कश्चन यक्ष वस्ति इसमें है, वृक्षे पेड़ पर, यक्ष कहते हैं बच्चों एक पेड़ पर कोई राक्षस या यक्ष रहता था। सह तंतुवायम एकथ्यत, सह मीन्स उसने, तंतुवायम जुलाई से एकथ्यत कहा, वो अरे अयम पादप मम आश्रय अस्ति। अयम मीन्स यह है, पादप पेड़, मम आश्रय अस्ति मेरा आश्रय, आश्रय यानी घर, अस्ति है अरे यह पेड़ मेरा घर है। एन मा कर्तव्य इसे मत काटो। एतत सुतवा तंतुवाय एवदत, एतत मीन्स यह है, सुतवा सुनकर तंतुवाय है जुलाहा एवदत बोला, वो अरे अहम किम करूंगी, अरे अहम मीन्स मैं, किम मीन्स क्या, करूंगी करूं, अरे मैं क्या करूं। काष्ठस्य उपकरणम बिना अहम पटस्य निर्माणे असमर्थ। काठस्य उपकरण मीन्स लकड़ी के उपकरणों के, बिना अहम मीन्स मेरा, पटस्य निर्माणे असमर्थ, मेरा जो कपड़ा बुनने का कार्य है वो नहीं हो पा रहा है। अतः इसीलिए सह परिवार यानी परिवार के साथ बुभुक्षया पीड़ित है असिन, मैं भूखा रहता हूँ। भगवान यत्रु गच्छन्तु कहीं और चले जाओ, अहम न कृष्यामि मैं इसे काटूंगा। यक्ष एवदत जो यक्ष था यानी राक्षस था वह बोला, भो अरे अहम तुस्तव्या मैं तुमसे खुश हूँ। तत अभिष्ट फलम प्रार्थित यानी मैं तुम्हें कोई भी फल या देने को तैयार हूँ। फल कहते हैं बच्चों यहाँ वर वरदान, मैं तुम्हें कोई भी फल देने के लिए तैयार हूँ। एन पादम च इच्छ इसे मत काटो। तंतु वाय है जुलाहा एवदत बोला, स्वगृहम गत्वा, स्वगृहम मीन्स अपने घर, गत्वा जाकर, स्वमित्रम अपने मित्र से, स्वपत्नी अपनी पत्नी से, च पस्तुआ और पूछकर, अगस्यामि इति जुलाहे ने कहा कि मैं अपने घर जाकर अपनी पत्नी और अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा।
यक्ष अनुमति, यक्ष ने अनुमति दत्वान दे दी। प्रसन्न है तंतुवाय गृहम प्रति चलितवान, खुश होकर जुलाहा घर की तरफ चल दिया। पथे स्वमित्रम दृष्टवा सह यक्षस्य वचनं तस्मै निवेदितवान। पथे मीन्स रास्ते में, स्वमित्र अपने मित्र को दृष्टवा देखकर सह उसने यक्षस्य यक्ष के वचन यानी जो उसके शब्द थे उसकी बातें थी तस्मै निवेदितान उसे बताई। किसे? अपने मित्र को। सह तंतुवायम एकथ्यत उसने जुलाहे से कहा राज्यम प्राप्नोतु भवान राज्य मांग लो। जो मित्र का उसका जुलाहे का मित्र था उसने जुलाहे से कहा कि तुम राज्य मांग लो। उन्हें गृहम गत्वा फिर घर जाकर पत्नी पत्नी से अपि सर्वम एकथ्यत सभी बातें कही या सभी कुछ अपनी पत्नी को बताया। सा तम अन्य बाहुल गलम द्वितीय शिष्य या चिंतु प्रेतवती। उसकी पत्नी ने उससे क्या कहा बच्चों? अन्य बाहुल गलम यानी दो और बाहें, दो और हाथ, बाहें कहते हैं हाथ को, यानी दो और हाथ शिष्य या चिंतु और दो सिर और प्रेतवती मांग लो। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम दो हाथ और दो सिर और उससे मांग लो। ये कुर्ते हैं प्रस्तुत है चे पटा निर्माणु समर्थो भवे। ये सब पा करके कपड़ा बुनने का काम दोगुना हो जाएगा। ततः मंत्र के है वनम गत्वा फिर जो मंत्र था वो वन में गया। यक्षम अन्य बाहु युगलम द्वितीयम शिरसश्च यातिवान। जो मंथक जो जुलाहा था बच्चों वन में गया और उसने जो यक्ष था राक्षस था उससे दो हाथ और दो सिर और मांग लिए। यक्ष है अपि तस्मै त्रादशम वरम दत्वान जो यक्ष था उसने उसे ऐसा वरदान दे दिया। ततः चतुर्भुज द्विसिरह चह भूतवा यावत अहम गृहम आगच्छति तब वह दो सिर और चार भुजाओं वाला होकर अपने घर आया। तावत लोके राक्षस है संसार के लोग, लोके कहते हैं संसार, संसार के लोगों ने राक्षस है अयम उसे राक्षस सम इति ऐसा देखा। मतवा लंगु प्रहार है प्राशान पहार है च ताड़ितम मृतम च यानी जो लोग थे उन्होंने उसे राक्षस समझा और उस पर डंडो और पत्थरों का प्रहार पत्थर मारकर उसे मार दिया। अत एव उच्यते इसीलिए कहा गया है यस नास्ति स्वं प्रज्ञा मित्रोक्ते न करोति यह सह एव निधम याति जिसकी ना अपनी बुद्धि हो और ना वह मित्र की बात माने उसका अंत मंथर के समान होता है यानी वह जैसा मंथर जुलाई ने कहा है बिना बुद्धि वाला काम उसका अंत ऐसे ही होता है। इसीलिए बच्चों हमें हमेशा दूसरों की बात भी सुननी चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वह काम करना चाहिए जो हमारे हित में हो। बच्चों आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं, एक्सरसाइज आप अपनी बुक में भरेंगे। कोई भी बच्चा एक्सरसाइज वर्क कॉपी में नहीं करेगा, सभी एक्सरसाइज आप बुक में फिल करेंगे। क्वेश्चन आंसर की आपको बच्चों फोटो भेज दी जाएगी, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। फिर आते हैं बच्चों आपका शब्दों से वाक्य बनाइए। नगरे नगर में, वनम वनम में, विचिन्त्य घूमते हुए, वृक्षस्य पेड़ों में, स्वमित्र अपना मित्र। इनके वाक्य आप खुद बनाएंगे जिस तरीके से कि आपने बुक में पढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।